बलराम जियो गुरमुख मिलिया सवाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जी। स्वभाव विच इतनी गुरमुखता ही आ गई है हुण तन नूं ते मन नूं परमात्मा तो इलावा होर कुछ भी चंगा नहीं लगता, सब कुछ बेमैनी हो गया। परमात्मा ही परमात्मा मिठा लगता है, चंगा लगता है, सब कुछ रस उसे विच है। हर मीठा लाया मेरे प्रभ भाया अन दिन हर लिव लाई, हुण दिन रात उसे विच लिव जुड़ी हुई है, उसे ही सुरत जुड़ी हुई है। और मिठास बनिया होया है, आनंद बनिया होया है, तरंग बनिया होया है। साहेब ऐसा जो है फरमान पै कर देना, हर मीठा लाया मेरे प्रभ आया अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादाई। मन भावदे पदार्थ की प्राप्ति हो गई, तो जब प्राप्ति हो गई तो ख्वाहिशा मिट गई। संसार विच एक ख्वाहिश पूरी होवे दस पैदा हो जांदियां, एक पदार्थ मिले दस पदार्थ की इच्छा पैदा हो जाती, कुछ भी मिले ख्वाहिशा मिटदियां ने। परमात्मा दे मिलदियां सारियां इच्छावां शांत हो जांदियां। साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब सब शांत हो जांदियां। सारियां इच्छावां कदों पूरियां होंदियां ने, सबे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा। अगम अपारा जितने चिर तक वह नहीं मिलिया इच्छा पैदा होंगी रहेगी, तो इच्छावां दा पैदा होना कामनावां करके साधना करने, तो गल समझ आ गई अजे उस परमात्मा दा बोध इस दे कोल जो है नहीं है। मन भावदा पदार्थ की है, मन की इच्छा पूरी होनी की है, परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्ति है। इच्छा दी पूर्ति इच्छा दी पूर्ति नहीं है, एक इच्छा पूरी हो गई दस पैदा हो जाएगी, सारी जिंदगी ख्वाहिशां च रहेगी। तो साहब इत्थे कहिंदे ने मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वधाई। वधाई तो मतलब है हर वक्त वादा वधदा जा रहा है, जो रस मिलिया रुकिया होया नहीं, तो संत छोड़ देन, रस वधदा जा रहा है, खेड़ा वधदा जा रहा है, आनंद वधदा जा रहा है, प्रकाश वधदा जा रहा है। जिंदगी दे अंतम समय तक ये शक्ति ये गुण वधदे ही जांदे, वधाई वादा बनिया रहिंदा। दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना घाट, सवाया हुंदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। वो आप असीम है, उहदा आनंद भी सीम है, किसी सीमा ते नहीं पहुंचता। वो आप असीम है, उहदी शक्ति भी असीम है, तो ऐसे मनुख की शक्ति की भी कोई सीमा नहीं होती, वधदी जांदी। नाप तोल नहीं सकदे इस भगत कोल कितना आनंद है, उते रोज रोज वध रहा है, खिन खिन दे च वध रहा है। नाप नहीं सकदे इहदे कोल कितने गुण ने, उते रोज रोज वधदे जा रहे हैं। असीम है प्रभु, तो असीमता की जो है प्राप्ति हो गई है, वधाई वधदा ही जा रहा है, सब कुछ जो है वधदा जा रहा है। नाम दिया वाधापन वधाई ऐसी जो है प्राप्त होई। साहिब कहिंदे हर प्रभ ठाकर काज रचाया धन हिरदय नाम वस विगासी, ऐसा एक कारज आनंद कारज व्या उस परिपूर्ण परमात्मा ने आप रचाया है। जीव आत्मा विच विगास पैदा हो गया है, खेड़ा पैदा हो गया है, और सब कुछ सहज हो गया, करना खत्म हो गया। चौथी लांद च लावा जिहड़ा चलना है फेरा उते खत्म हो गया, उते पूरी हो गई, करना खत्म हो गया, जीवना आरंभ हो गया। हुण करना कुछ भी नहीं है, हुण उहदे च जीवना है, जीवना आरंभ हो गया। जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अवनाशी, उस परिपूर्ण परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया जो नाश तो रहत है, जिहदी खातर कर्मां विच प्रवृत्त होए से करदे रहे सी अज निष्कर्म हो गए, परमात्मा दा मिलना हो गया, निष्कर्म हो गया। जितने शब्द सन जितना मैं खुलासा कर सकदा सी, जितना समा सी, तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने ये सारियां विचारां रखियां ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज मेहरामत करन, जिन्हां दी संरचना दी विचार
कुछ संगतां दे मंग मुताबक तुहाडे सामने आरंभ कीती सी। इंज कह लो मेरा समा समाप्त, मेरी कथन शक्ति समाप्त, मेरी सोचन शक्ति की समाप्ति इन्हां चार लावां दे विचारां दी समाप्ति नहीं है। यह मैं अर्ज करा क्योंकि वधाए ते वध है, यह ते वध है। जिथे भी कथा मनुख समाप्त करता है एक कथावाचक का समा समाप्त आता है, उसकी सोचन शक्ति समाप्त आती है, उसकी कथन शक्ति समाप्त आती है, गुरु का शब्द समाप्त नहीं आता, शब्द की विचार समाप्त नहीं आती। धन गुरु रामदास जी महाराज ने जितनी कृपा की, जितनी बख्शिश की थोड़े सामने रखी है, अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों सुन के निष्कर्म अवस्था नूं तुसी प्राप्त करो, सुना के मैं प्राप्त कर सकां, मैं थोड़े लिए अरदास करां, तुसी मेरे लिए अरदास करो, और इस तरह सारियां दी जीवन यात्रा सफल होवे। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बोल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा।